हेलो स्टूडेंट्स हाव यू आई होप यू लाइक गुड एंड रेडी फॉर स्टडी यस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर व्हिच नेम इज द टेंपरेचर सो लेट्स बिगिन विद दीज वर्ड्स फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फर्स्ट इज एके एके मीन्स क्या होता है बच्चे दर्द मेडिसिन दवाइयाँ फीवर बुखार थर्मोमीटर जिससे फीवर को मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर क्या होता है एक मशीन हो गई इमेजिन करना मतलब कल्पना करना सो लेट्स बिगिन बच्चों शार्ज इज अन इर्स ओल्ड बॉय ही लुक बैड हिज फादर मिस्टर मार्ग कर्म्स इन टू द रूम तो बच्चे जो शार्ट है वो नाइन ईयर्स ओल्ड बॉय है और वो कैसा दिखता है वो एल हो गया है मतलब उसको बीमार हो गया है अब और वो बेड पर लेटा हुआ है तो उसके फादर आते हैं मिस्टर मार्ग और कमरे में एंट्री करते हैं हाउ डू यू डू और उससे पूछते हैं तुम कैसे हो गुड मॉर्निंग शार्ट इन अ वीक वॉयस आई फील इल माई बॉडी एक्स तो वो बोल रहा है कि मैं फील कैसा कर रहा हूँ इल फील कर रहा हूँ बीमार फील कर रहा हूँ और मेरी बॉडी भी पेन कर रही है एच मीन्स क्या होता है बच्चे पेन करना मार्क व्हाट्स द मैटर शार्थ तो पूछता है क्या बात हो गई देन शार्थ आई हैव अड एक ट्रू हेड एक क्या होता है बच्चे सर दर्द होना तो मुझे सर में भी दर्द है मार्क

करते हैं और चार्ट का टेम्परेचर देखते हैं ये क्या क्या है? क्या है? है? है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जैसे जो उसके फादर पूछते हैं कि क्या बात है क्योंकि डॉक्टर चेकअप करते हैं तो फादर मदर पूछते हैं ना बच्चे कि क्या हुआ है इसको तो so, डॉक्टर बताते हैं कि वन हंड्रेड एंड टू और ये सब हेयर आर सब मेडिसिन और बताते हैं कि दवाइयां हैं और इनको फीवर है और ये कैसे कैसे लेनी है टेक थ्री टाइम्स अ डे एंड दिस विल ईज योर स्टमक और ये आपके स्टमक को भी रिलीफ करेगी एंड टेक इट वन टाइम अ डे सो मार्क थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर Walking out of the room, there is nothing to worry about him. It is only seasonal. If the temperature rises above 104 degrees, send for me again. So doctor kya bolte हैं? जैसे ही बाहर निकलते हैं, walking out of the room, ठीक है? दरवाजे से या room से बाहर निकलते हुए, वो क्या बोलते हैं कि चिंता करने की, worry करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीजनल है है ना जैसे ही सीजन चेंज होता है बच्चे तो क्या होता है कई बार हमारा अप डाउन कर जाता है हमें फीवर भी हो जाता है तो इफ द देशर राइजेज अब हंड्रेड एंड फोर डिग्रीज अगर हंड्रेड एंड फोर डिग्रीज से अब हो जाता है तो मुझे दोबारा बुलाना एंड सेंड फॉर मी अगेन मार्क गिविंग हिम मेडिसिन यू विल बी ऑल राइट सोन डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू

तो तुम सोना क्यों नहीं चाहते है ना तो जैसे हम बोल देते हैं ना बच्चों को मेडिसिन देते हैं कि आप तुम सो जाओ ठीक है ना सोने की कोशिश करो और मैं तुम्हें उठा दूंगा जब मेडिसिन देनी होगी देन शार्ड्स आई विल रादर स्टे अवेक यू डोंट हैव टू स्टे इन हियर विद मी पापा इफ इट बोदर्स यू सो क्या बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूं आई विल रादर स्टे अवेक क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही और मैं उठा हुआ हूँ सो यू डोंट हैव टू स्टे इन हेयर आपको यहाँ मत बैठो और इस तरह से बोलते हैं कि आप अपना रेस्ट कर लो और मेरे लिए परेशान मत हो देन मार्क इट डर मी ये मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है मिस्टर मार्क टोक टूक थ्री आवर्स लेटर ही वॉज वाइट फेस्ड बट हिज वर बाय द फीवर ही वॉज स्टिल थिंकिंग समथिंग तो जैसे ही जो फादर होते हैं बच्चे माघ वो क्या करते हैं दोबारा से शार्ट्स का टेम्परेचर चेक करते हैं तीन घंटे के बाद वट इज इट क्या हो, thinking, हो गया पापा तो माघ समथिंग लाइक हंड्रेड इट इज कमिंग डाउन तो ऐसा लग रहा है ये हंड्रेड के आसपास पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे आपका फीवर डाउन हो रहा है हंड्रेड एंड टू और ये तो हंड्रेड एंड टू इज़ नथिंग टू वरी अबाउट तो मार्क क्या बोलते हैं कि अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है जो आपका पहले था अब टेम्परेचर कैसा हो रहा है कम होता जा रहा है और तुम ठीक हो रहे हो होार्ट्स आई डोंट वरी बट आई कैन नॉट कीप फ्रॉम थिंकिंग तो क्या बोलता है शार्ट कि आई डोंट वरी ठीक है तो बोलता है मुझे कोई चिंता नहीं है एंड मैं धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा ठीक हो सकता हूँ एंड कैन नॉट की फ्रॉम थिंकिंग मार्क डोंट थिंक जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट इजी इसके बारे में मत सोचो जस्ट रिलैक्स करो और इसको ईजी लो मार्क मेव ही मेडिसिन विद वॉटर और माँ क्या करते हैं उसको मेडिसिन देते हैं वाटर के साथ मैं शार्स डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड सो so, पूछ रहे हैं कि कैसा लगता है तुम्हें अब ठीक लग रहा है देन मार्क ऑफ कोर्स इट विल मार्क स्टार्टेड टू रीड फ्रॉम द स्टोरी बुक बट व्हेन ही सो नॉट टेकिंग इंटरेस्ट ही स्टॉप तो दोबारा से मार्क क्या करना स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी बुक से रीड करना स्टार्ट करते हैं लेकिन शार्ट अभी भी क्या कर रहे हैं नॉट टेकिंग इंटरेस्ट और वो रुक जाते हैं देन अबाउट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई सो क्या बोल रहे हैं शार्ट्स अबाउट टाइम डू यू थिंक

और मैंने सुना है क्या था मेरा टेम्परेचर हंड्रेड एंड टू फीवर ऑफ टू हंड्रेड एंड भी जिन व्यक्तियों को जिन पीपल को अगर 102 हंड्रेड टेम्परेचर हो जाता है फीवर हो जाता है तो मरते नहीं है और कैसे सिली सिली मीन क्या होता है मूर्खता वाली बातें तुम कर रहे हो सिली देन शार्ड्स

और धीरे धीरे शार्ट जो है वो रिकवर हो रहा है और जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है और इधर उधर खेलने भी लग जाता है और घर में आसपास घूमने लग जाता है जोकिंग विद हिज पेरेंट्स सो नोट सेल्सियस एंड फेर एनहेड आर टू डिफरेंट स्केल्स टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी डिग्रीज सेल्सियस और नाइनटी डिग्रीज फेर एनहेड सो so, बच्चों जो थर्मोमीटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं यहाँ पर है ना तो जिसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को हम 37 डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं जबकि जो फेरन का जो डिग्रीज होती है वो होता है यस 98.6 डिग्री सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर और किसी भी चीज को अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो उसकी नॉलेज नहीं हो तो हमेशा बड़ों से पूछना चाहिए तो दोबारा से पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे कोई डाउट है तो दोबारा चैप्टर को समझेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे डू यर साइस